गाइस तुम्हें पता है सबसे बेस्ट थिंग क्या है लाइफ में? अपने बॉयज के साथ चिल करना। तो गाइस हम आए हैं मुंबई में आज क्योंकि कल हमारा क्रिकेट मैच है और बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं यूट्यूब के, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स। यही वक्त है टीमो, यही वक्त है कि हम अपने सोशल्स चार चौक ना करे। नहीं, मजाक से हटके हम सारे दोस्त हैं। मैं हमेशा लेट फ्लाई करना पसंद करता हूँ, पता क्यों? ट्रैफिक नहीं मिलता है, आते जाते ट्रैफिक नहीं मिलता और घर से डिनर करके आओ तो भूख भी नहीं लगती। यस, तो कल सुबह मिलते हैं, देखते हैं मिलते हैं बाकी से क्या सीन है। रात के 5:30 बजे बच्चों दी कर रहे। अरे क्यों पियानो नहीं है डीमन भाई? अरे आप तौलिया डालो ना उसके ऊपर। अरे पता क्या? है मैं चेक कर रहा था बस क्या क्या फीचर्स है। अरे भाई ग्रीन लाइट ब्लू लाइट सब जल्दी बस ये लाइट काफी है ना। हाँ बस ठीक है, चलो गाइस आप सो रहे हैं। हम सही है, बंद हो गया सर। मैं रील का 14 भरूंगा। रील के 14 की वाला मेरे। सुबह के बज रहे हैं 10 और रेडी हो चुके हैं हम, ठीक है, दोनों के दोनों। आज क्रिकेट मैच है तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, नहीं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हमारे लिए सारे इंतजार कर रहे हैं। सही बोला, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हाँ, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम जा रहे हैं सीधा पिच पे। चलो जिस हिसाब से धूप है ना, जैसे तुमने देखी, चुपचाप डीकैथलॉन आया मैं स्किन लेने, जिससे कि हमारे हाथ काले ना हो और थोड़ा स्वेटिंग से बचा जाए। क्रिकेट एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, धूप में खेलने से बेटर वो है ना। टी बोन के लिए टी शर्ट नहीं आई तो उसके लिए हम ब्लू टी शर्ट। सही है ये। हाँ जिस हिसाब से आपकी हालत है ना, मैं कह रहा हूँ एक पुशअप ब्रा भी ले लो आप। और ये हाथों की कलाई का इस्तेमाल करते हुए ऋषभ डेडली क्या बुरा टीम बनाया भाई। कहता कि यार दोनों विकेट कीपर उधर चले गए और तुम दोनों उधर चले गए। तो उसके बाद भी आप लोग हार गए थे। आइए तब बुरा लगेगा। यहाँ से कूदना या फिर वहाँ से? ये बात तो बहुत, ये बात कही है। आज हम हारे तो पार्टी आज हमारी तरफ से। ये आफ्टर पार्टी की भी आफ्टर वाली पार्टी है। मीन वाइल गाइस जाया। तो ये हमारी टीम, अंकित सर कैप्टन है, पंडित ये बीच का बिच्छू है, ये फील्डर है अपना, ये हमारा गाइस ये कैप्टन है, हमारे बुकिंग है, ये मेन विकेट कीपर है हमारा, जाया सपोर्टिंग चीयर लीडर। टीम फोटो शूट हो रहा है यहाँ पे, रेड टीम गाइस। ये होती है हैवी प्रोडक्शन, क्रिकेट के मैच के पीछे इतने कैमरास, इतने कंट्रोल्स। मेहनत तो है। गाइस ओपोनेंट टीम से मिलवाते हैं, ओपोनेंट टीम के सबसे मेन खिलाड़ी। मुझे बस ये बता दो कि ये टीमें बनाई किसने है भाई? नहीं नहीं, ये आपके मित्र उज्जवल भाई ने बनाई है, आपको चूज किया है, जिम्मेदारी आप पे भाई। ऐसे मत बोलो यार, कल भी बताते रहे थे रात को कि गोलकीपिंग करनी है, फिर उन लोगों ने एक-एक करके पिक किया। गोलकीपिंग कर लेना है, ढंग से कर लोगे ना गोलकीपिंग तो हो जाएगी ना।
भाई यार विकेट कीपिंग में अभी ठीक है ना भाई, गलती से निकल गया मुंह से यार। तुम मजे ले रहे हो। कल क्या बोल रहे थे, मेरे को जानना है कि यार गोल कीपिंग तो मैं कर लेता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। करवाते हैं अरेंज, बट ऑल द बेस्ट, देखते हैं कौन जीतता है। The first ball of history. Guinness has a cup of balls. Let's go. He's ready for it. Any ball? Why? Raga के पास मौका हो सकता है, एक अच्छी गेंद, अच्छा शॉट खेला गया, फिर से सेंटर। अच्छा उनको धोनी जैसी स्टंपिंग करनी पड़ेगी। नहीं नहीं भागो भागो भागो, एक और रन मिलेगा। दो दो मिनट, बिल्कुल अच्छी रनिंग, अच्छा फर्स्ट डबल, बिल्कुल जी जनाब, काफी ज्यादा सही आपने बात करी है, काफी ज्यादा सही बात की आपको। ये अगर मैं बात करें मकान के लिए, रचित मलिंगा से सीखा है आपका सामान घुमा के देखिए, रचित को लेके एक छोटा सा रनअप और ये है यहाँ पर राका दिखाते हुए कैसे उसकी गोदी में वो गेंद जा सकती है। डबल ड्रॉप, जान मुझ के उसको टॉन्ट मार रहा है। तो राका इज रिटायर्ड ऑन 35 जी। देखिए लेकिन गेंदों सचिनों आप इन्हीं सब बातों के साथ मुझे लगता है हमारी अगली इनिंग्स की शुरुआत होने वाली है हमारे बल्लेबाज सचिन रचित। रचित रचित, ये ओवर महंगा है, ये ओवर महंगा है, ये ओवर टीम रेड ने एक भार डाल के रख दिया है इस ओवर में। असली प्लेयर पता है कौन होता है, जो मैच जिता के दे दे और साइड में खड़ा हो जाए। और मेरे को चूज करने के लिए सेकेंड ऑफ ऑल अंकित भाई जिसने चूज किया, बट उज्ज्वल भी और टीम बाकी बहुत अमेजिंग, बहुत फ्रेंडली था बट स्पोर्टी भी था, तो मजा आया। 3-2-1 मेरे को आदत हो गई अब नॉमिनेट हो गए अवार्ड्स देखने की किसी और। बुरा लग रहा है राका भाई? नहीं अच्छा लग रहा है, टीम जीती बट क्या बोल सकते, मैच जीत चुके हैं, अवार्ड फंक्शन भी हो गए। क्या कह रहे थे आप, कितने रन बनाए आपने? मत पूछो। आपने जितने बनाए मैंने 3 बॉल में बनाए थे भाई। एक हेलो, ये देखो हेलो, एक छक्का निकाला मैंने मेरे ओवर में जस्ट से। कैप्टन साहब कैसा लग रहा है, कैसा लगा मैं? लोग तो भाई इधर यार बेशर्मी की हद होती है भाई, नहीं पूरा पूरा सारी कैच छोड़ी की यार, चलो ने कुछ रन पर चैट कर दी मैंने, हमारी शुरू में बात हुई थी यार वो मैं भाई अंदर की बात बताऊं, अंदर की रात में ना होटल पे बात हुई थी कि हम ऐसा कैच छोड़ेंगे,
तो हमारी फर्स्ट थी, हमने इनकी कैचे छोड़ी बट इन्होंने पकड़ी। मगर आपने बहुत अच्छा भागा बिटवीन द विकेट्स और आपने अच्छे दो छक्के लगाए बट अनफॉर्चुनेटली आप फीफा का मैच आपने बोला ना फुटबॉल का फुटबॉल असली वाला फीफा नहीं नहीं हाँ फुटबॉल असली वाला असली वाला रखे मेरे को थोड़ा गोलकीपर लगा फुटबॉल में मैं पास नहीं करता नहीं और तो मैसी बेस्ट ऑफ थ्री के लिए भी बोल रहे थे तुम रीमैच यार रीमैच करना मेरे को इस टीम के साथ बट इस टीम की फील्डिंग इंप्रूव कर दी है मेरे को दिल्ली में होगा रीमैच अभी हां यार ये पक्का दिल्ली में रीमैच फास्ट अभी इससे टाइम लगा के नहीं और एक चीज है कि एक मैच पहले हो जाना चाहिए और हमारे साथ रुचिर ये और इसको एमवीपी मेरे लिए आज सारा व्लॉग शूट किया तो गाइस मैच हो गया खत्म अब वैनिटी जाएंगे चेंज वेंज करेंगे कुछ और अब खाना जाना है बहुत तेज भूख लग रही है सुबह से कुछ भी नहीं खाया तो चलते हैं देखते हैं वैनिटी में कौन है हैं इतना अंधेरा क्यों हो रहा है नहीं दिखा नहीं वो नहीं देखा पूरा देखा यहाँ पर थोड़ा गुस्ताखी माफ इसने पजामा खोली इसने कच्चे बोले दिखाते मुझे भाई इतना तभी सहमा बैठा गया अब जा रहे हैं सीधा कुछ खाने ठीक है वहीं मिलते हैं तुम्हें होटल आ चुके हैं बहुत ज्यादा थकावट हो रही है और यहाँ पे जीवन आपने कितने रन बनाए अरे टीबोन का जो गाइस टीबोन का पहला बैटिंग इनिंग्स उसकी पहली रात जैसा था डिडंट लास्ट लॉन्ग शीश बे क्या बोल रहा है भाई ये बोल पड़ा यार मुझे फ्लीट भाई ने बोला भाई मेरे को कुछ कंपेनियन दो मैंने बोला ठीक है डक आउट हो गया उसमें क्या करूं वेरी नाइस टाइम आ चुका है चेक आउट का सुबह के बज रहे हैं 6 और अब हम सबकी फ्लाइट है 9:30 की तो चुपचाप जाएंगे सोएंगे और अपने अपने घर जाएंगे चट को अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय